गाइज अभी अभी Realme का दो फोन लॉन्च हुआ है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि थोड़ा बहुत का डिफरेंट है और भाई प्राइस में तो काफी 4000 रुपए का डिफरेंट है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ Realme 11X एंड Realme 11 5G का। भाई हाँ, अगर Realme 11X 5G का अगर बात करें तो इसका दो वेरिएंट आया है, 6128 जो कि 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल जो कि 15000 रुपए में है। वहीं इसका सेकेंड वेरियंट Realme 11X 5G का सेकेंड वेरियंट जो कि 8128 जिसका प्राइस 16000 रुपए है। वहीं अगर सेकेंड वाला फोन जो कि Realme 11 5G इसका फर्स्ट वेरिएंट 8128 जो कि 19000 रुपए में है, वहीं सेकेंड वेरिएंट इसका 8256GB भाई ये 20000 रुपए में मिलता है। भाई ये दोनों फोन का प्राइस के डिफरेंट बस 4000 रुपए का है, 4000 रुपए का है भाई। हाँ फीचर उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से भी प्रेस कर लीजिए। हाँ तो सबसे पहले अगर बात करें तो दोनों का डिजाइन सेम है, सेम लुक है भाई, काफी बढ़िया देखने में इसका डिजाइन तो काफी बढ़िया दिखता है। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले दोनों में सेम डिस्प्ले मिलते हैं, जो 6.7 इंच का डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। अब भाई यहाँ 15000 रुपए वाले में भी LCD मिलता है डिस्प्ले, और 20000 रुपए लगा रहे हैं तो भी वहाँ पे LCD ही मिल रहा है, क्या फायदा भाई 20000 रुपए लगाने से। कम से कम 20000 रुपए महंगे वाले फोन में एमोलेड डिस्प्ले दे देना चाहिए था, ये एक डिसअपॉइंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हम सस्ते वाले ही परचेस करेंगे भाई, सही है। अगर UI की बात करें यूजर इंटरफेस की, तो यहाँ पे आपको Realme का UI 4.0 मिलता है दोनों फोन में सेम, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 13 पे बेस्ड है। हाँ 2 साल का मेजर अपडेट मिल जाता है, 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, ठीक ठाक है ये चलेगा। वहीं अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है दोनों फोन में, स्क्रीन इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ इसके अलावा कैमरा की बात करें तो कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों फोन में। 11X जो सस्ता वाला है फोन, 64 मेगापिक्सल का डुअल AI कैमरा मिल जाता है, जो कि 2 मेगापिक्सल का एक और मिलता है जो कि कोई काम का है। वहीं अगर Realme 11 5G में बात करें तो ये महंगे वाले फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उसके साथ एक मैक्रो लेंस मिल जाता है जो कि 2 मेगापिक्सल का, कोई काम का है नहीं 2 मेगापिक्सल का, जो भी काम करेगा भाई 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा ही काम करेगा, जो कि कुछ हद तक ठीक ठाक है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, लेकिन बढ़िया नहीं है। अगर हम 20000 रुपए लगा रहे हैं तो 108 मेगापिक्सल का मिल तो रहा है कैमरा, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, इससे बढ़िया कि भाई सस्ते वाले ही लेंगे ना। अगर वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको सस्ते वाले में 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, वहीं महंगे वाले में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और यहाँ भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, दोनों में से किसी भी फोन में 4K वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे, फुल HD में 1080p में 30fps पे वीडियो शूट कर पाएंगे। वहीं अगर प्रोसेसर की बात करें, परफॉर्म की बात करते, यहाँ पे सेम प्रोसेसर दोनों फोन में मिलता है, महंगे वाले में भी और सस्ते वाले में, जो कि Dimensity 6100 प्लस का है, जो कि 5G है, हाँ, जो कि 6nm पे बेस्ड है। कुछ हद तक ठीक है प्रोसेसर, लेकिन महंगे वाले फोन में ये प्रोसेसर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था भाई। 20000 रुपया लगा रहे हैं, ये 6100 का ये मिल रहा है भाई प्रोसेसर Dimensity का। वैसे अगर देखे तो दोनों फोन में 15 से 20000 रुपया अगर लगा रहे हैं, 15000 रुपया लगा रहे हैं सस्ते वाले में या फिर 20000 रुपया लगा रहे हैं महंगे वाले में, तो प्रोसेसर ये नहीं मिलना चाहिए, कम से कम इससे और लेटेस्ट मिलना चाहिए, बढ़िया मिलना चाहिए। इसका अंतुति स्कोर भी 4 लाख का है, जो कि कोई खास है नहीं, मतलब कि भाई 4000 रुपए का डिफरेंट है और डिफरेंट सेम। वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको हाँ बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बस। हाँ दोनों फोन में 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, सस्ते वाले में भी 5000 का बैटरी और महंगे वाले में 5000mAh की बैटरी। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट जो है ना, वो यहाँ पे 33 वाट का, सस्ते वाले फोन में 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और महंगे वाले फोन में 67 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है। यानी अगर वैसे सीधा सीधा अगर समझे हम लोग तो डिफरेंट क्या क्या हुआ है, तो सस्ते वाले फोन में जितना स्पेसिफिकेशन है सेम महंगे वाले फोन में भी है, लेकिन बस डिफरेंट दो ही चीज है, पहला कैमरा जो कि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है डुअल AI, और महंगे वाले में 108 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का, और मतलब इसमें भी 108 मेगापिक्सल का डुअल AI मिलता है। बस कैमरा डिफरेंट है और बैटरी का चार्जिंग सपोर्ट डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है भाई। अगर बात करें यहाँ पे महंगे वाला फोन परचेस करने के लिए, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस फोन को 19000-20000 रुपए लगा करके खरीदिए। हाँ क्योंकि इसका प्रोसेसर को कोई खास नहीं, सबसे पहले ही एक गेस हो गया। इसके अलावा यहाँ बात करें तो इससे बढ़िया बढ़िया कैमरा फोन है जो कि 20000 के रेंज में है, तो यहाँ पे 20000 रुपए इन्वेस्ट करने से क्या फायदा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।